Hey guys, welcome back to a new video. So today in this video I am going to talk about Government of India internship. So guys, इससे जो हम लोग की पहली वीडियो थी वो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपलोड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी थी। ये गाइज जो इंटर्नशिप मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आपका सेकंड इंटर्नशिप है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गाइज देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप मैं इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि गाइज आपको पता है कि या फिर अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटर्नशिप अगर आप रिज्यूमे में अपने ऐड करते हो गाइज, इससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके रिज्यूमे पे और इससे गाइज आपके हायरिंग की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और गाइज जो इस इंटर्नशिप में आप लोग काम रहने वाला है यहाँ पे मेनली आपको फील्ड विजिट हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड काम हो सकते हैं या फिर आपको डेटा एनालिटिक्स सब मेनली आपको एनालिटिक्स पे काम आता है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे जो स्टाइपेंड रहने वाला आपको 18-20 के आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम मिलने वाला है, ठीक है। तो गाइज़ जो आजकल जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं काफ़ी यूथ जो है मेनली BBA से हो या फिर आप MBA से हो या फिर एनी अदर स्ट्रीम से हो, किसी से भी हो, तो हम लोग एक ऐसा इंटर्नशिप ढूंढते हैं जो हम लोग के सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, HR हो गया या फिर एनी अदर रिसर्च से रिलेटेड हो गया या फिर IT से हो गया। तो गाइज़ ये इंटर्नशिप आप लोग के लिए ही है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं गाइज़ मेनली सोशल मीडिया हैंडलिंग करना या फिर मेनली पोस्टर्स या फिर काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब अगर आप किए हुए हो तो गाइज़ आपके लिए इंटर्नशिप बनी हुई है। मैं यहाँ पे 3 इंटर्नशिप बताऊँगा इस वीडियो में, तो आई होप ये सारा इंटर्नशिप आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएगा और मैं सारा वीडियो आपको कंप्लीट आपको लैपटॉप स्क्रीन बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस सब लगेंगे। एंड जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना। इसी तरह गाइस रेगुलर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देने के लिए लाइक जॉब वैकेंसी इंटर्नशिप एनी अदर लाइक IT नॉन IT किसी में भी MBA से रिलेटेड आपको कोर्सेज सब सारा इस चैनल पर आपको मिलेगा। चलो गाइस फटाफट हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। सो फाइनली गाइज हम लोग अपने स्क्रीन को पढ़ा गए हैं, तो आप लोग गाइज यहाँ पे देख रहे हो दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो DCPCR गाइज, तो ये मेनली आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड इसके बारे में गाइज अगर हम लोग सारा कुछ जानें तो सबसे पहले हम लोग इंटर्नशिप के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो गाइज जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ोगे तो गाइज स्ट्रॉन्गली बिलीव्स इन हैरासिंग द पावर ऑफ लाइक आवर यंगस्टर एंड टेक्स मेजर टू एंगेज विद देम बाय मींस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। वी बिलीव दिस इज द ओनली वे अ नेशन कैन डेवलप रूटेड इन डील्स ऑफ जस्टिस बेसिक और डिग्निटी फॉर ऑल। तो मेनली आपको चाइल्ड कमीशन और चाइल्ड राइट्स के बारे में इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया, मतलब दिल्ली कमीशन यहाँ पे जो इनका वेबसाइट है DCPCR, ठीक है। एंड यहाँ पे जो गाइज आपको इंटर्नशिप दिया जा रहा है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एंड ये सब गाइज यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि दोज इंटरेस्टेड है मे एक्सेस फॉर एक्सेस मोर इन्फॉर्मेशन हियर है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट दिस फॉर्म यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे दिया हुआ है। और गाइज यहाँ पे ध्यान रखना जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, जैसे कि एप्लीकेशन डिडंट मीन एक्सेप्टेंस और गारंटी ऑफ दिस इंटर्नशिप। अब देखो ऐसा है गाइज कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दिया हो तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे गारंटी इंटर्नशिप मिलेगी, बट हाँ गाइज क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है, तो उसमें से गाइज सेलेक्टेड यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो जिनका प्रोफाइल ये सब अच्छा रहता है, सब कुछ स्किल्स है सब रहता है जो ये चाहते हैं, ठीक है, मैं अभी जैसे बताऊंगा, तो वैसा गाइज अगर बीट करता है डेफिनेटली आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कोई ऐसा डेडलाइन नहीं रहता, ठीक है, देर इज नो डेडलाइन कि आपको इतना इस डेट से आपको इस मंथ इतना करना है, ठीक है, देर इज नो, आपका जब मन करे आप भर सकते हो, ठीक है। बट गाइज जितना जल्दी आप अगर फॉर्म फिल करते हो उतना जल्दी आपको इंटर्नशिप लगता है यहाँ पे, और बाकी एटलीस्ट यहाँ पे 3 वीक्स लगता है, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम में मेनली आपको 3 वीक्स लगता है कि अगर फॉर्म आपको सबमिट हुआ तो उसके बाद वो लोग चेक ये सब करते हैं, ठीक है, अपने तरफ से ये सब, ठीक है, सारा कुछ मिलाते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, ये सब उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट ये जो 2 लाइन था आपका, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। हम लोग चलते हैं इंटर्नशिप के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे गए जाओगे तो यहाँ पे देखोगे जैसे इंटर्नशिप है एट द रेट DCPCR है, यहाँ पे द दिल्ली कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, DCPCR है, और यहाँ पे आपको 3-4 लिंक है यहाँ पे, ठीक है, टू रीड मोर अबाउट रेगुलर इंटर्नशिप एट, और यहाँ पे आप देखोगे टू रीड मोर इंटर फंडामेंटल एंड लिटरेसी एंड लाइक न्यूमरेटरी प्रोजेक्ट है, और बाकी डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है यहाँ पे, और एक है जर्नल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का देखते हैं, तो यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे एक PDF ओपन होगा, ठीक है, तो PDF में यहाँ पे देखोगे अबाउट द इंटर्नशिप, ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो है आपको
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सब ऑलरेडी मैंने बताया रखा है। तो अबाउट दिस इंटर्नशिप देखोगे तो मोस्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव है आर शेयर्ड विद द पब्लिक फॉर इंफॉर्मेशन डिसमिशन है। वी आर लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर है, ठीक है। तो सोशल मीडिया मैनेजर पे आपको यहाँ पे मेनली काम करना होगा, लाइक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, कॉन्टेंट राइटिंग, ये सब है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम है जो इंटर्नशिप 2 मंथ्स के लिए रहेगा, ओके। और यहाँ पे जो गाइज रोल जो रहेगा सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का रहेगा। तो मेनली रिक्वायरमेंट है कि प्लान लर्निंग एग्जीक्यूट डिजिटल मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल एंड ऑनलाइन है। मेनली मेंटेन है स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस है। और मेनली न्यू आइडियाज है सब पे आपको काम करना है, प्रमोट लाइक कॉन्टेंट ऑफ सोशल, जैसे कि रील्स से सब होता है, शॉर्ट्स से सब होता है, तो उस पर आप लोग मेनली देखते होंगे, तो उसी तरीके का कुछ। और मेनली जनरल डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट ये सब है, जैसे कि इंटरनल टीम्स, क्रिएटिंग इमेजेस, लेआउट्स, पोस्टर, वीडियोज, ठीक है। और टेस्टिंग ग्राफिक अक्रॉस वेरियस मीडियाज, ठीक है। तो ये सब मेनली कंटेंट राइटिंग का है जो यहाँ पे, लाइक आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग कैप्शंस हो गया, शॉर्ट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्रूफ रीड एंड एडिट पोस्ट बिफोर पब्लिकेशन है, कंडक्ट सिंपल कीवर्ड लाइक रिसर्च, यूज एसईओ टूल्स, ये सब है। बाकी आपको इमेज राइटिंग, इसका स्टाइल, फॉन्ट्स, ये सब जो गाइज आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है। जो लोग ये सब ऑलरेडी कर रहे हो रील्स सबका, तो आई थिंक आप लोग ये सब जानते हो गे। बाकी यहाँ पे रोल रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजाइन डिग्री इन डिजाइन हो गया, मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। बीबीए, बीकॉम कुछ भी किया हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन। बाकी ये सब स्किल्स आपको मेनली डालना चाहिए, गाइज डिग्री से ज्यादा मैं बोलूंगा स्किल्स यहाँ पे रहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो जो आप लोग सीख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे गाइज रिपोर्टिंग मैनेजर है यहाँ पे कि इंटर्न्स विल बी रिपोर्टेड टू कंसल्ट सीनियर और डीसीपीसी और हाउ एवर डे टू डे सुपरविजन यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी कमीशन यहाँ पे रहेगा, इंटर्न्स आर एंटाइटल्ड टू 3,000 इन एडिशन टू लाइक ऑफिशियल रिमेजरेंट एज पर द पॉलिसी एज अमेंड टाइम टू टाइम। तो आपको 3,000 तो मेनली आपको पे मिलेगा, बट आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पे मिलता है। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने का, यहाँ पे आपको हाउ डू अप्लाई का यहाँ पे सारा कुछ मिलता है प्रोसेस, ठीक है। एंड अगर हम लोग आगे गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये गाइज इंटर्नशिप है आपको जनरल की तरफ से, तो जनरल वाला देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका ओपन करते हैं, ठीक है। अबाउट दिस इंटर्नशिप अगर यहाँ पे ओपन करोगे, डेली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ठीक है। ऑफ सेटिंग इंडिपेंडेंट जर्नल है डेट एम्स इन लाइक डीप इन दिस डिस्क्लोजर ऑन इश्यूज, ठीक है, कंसर्निंग अवर चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो जनरल है यहाँ पे चाइल्ड फर्स्ट, यहाँ पे द जनरल ऑन चिल्ड्रन लाइफ्स है यहाँ पे। तो मेनली आपको यहाँ पे ये सारा कुछ दिया हुआ, डिस्कशन, डिस्क्लोजर, शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, पब्लिश ओरिजिनल एकेडमिक रिसर्च है, ये सब आपको दिया हुआ है। मेनली आपको ये रोल है आपको जनरल इंटर्न का, यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे देख सकते हो, आपको मेनली प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश राइटिंग एंड रीडिंग का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, रिसर्च स्किल्स आपको आना चाहिए यहाँ पे, हाईली क्रिएटिव इन डिस्प्लेइंग क्रिटिकल सोशल मीडिया कैंपेन है, प्रूफ रीड एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स है, और डिजिटाइजेशन ऑफ द जनरल है। बाकी रिपोर्टिंग मैनेजर का ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सुपरविजन यहाँ पे करेंगे, स्टाइपेंड यहाँ पे 3,000 का है, तो आप इसको मेनली फिल कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइज, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ मेनली आपको इंपॉर्टेंट स्किल नहीं मांगा, ये ऑलरेडी गाइज सब लोग कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक और है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट दिस, ये किस तरह से प्रोजेक्ट का है मेनली, तो इसमें भी आप लोग कर सकते हो कि अबाउट दिल्ली हैज़ लाइक 100 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सीसीआई बोल गवर्नमेंट रन एन एनजीओ यहाँ पे, इसमें 5,000 6,000 यहाँ पे चिल्ड्रंस रहते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टू चिल्ड्रन एस्केप फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस सच एज लाइक एडमेंट ऑर्फेंस है यहाँ पे, एंड चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिज, ट्रैकिंग सेक्सुअल वायलेंस एंड पेरेंटल इनकार्सरेशन, डिसेबिलिटी, ठीक है, सेवियर बुलिंग एंड अमंग्स अदर रीजन, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है व्हाट वी विल डू, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज ए रिटर्न है यू मे बी डूइंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लाइक असिस्ट आपको कमीशन, डिजाइनिंग, एंकरिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक इनलाइन असेसमेंट यहाँ पे, कंडक्ट डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो डे टू डे आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और मेनली असिस्ट द टीचर है, इम्प्लीमेंट फंक्शनल स्किल्स, ये सब हो गया, विजिट्स करना पड़ेगा, ठीक है, फील्ड विजिट्स हो गया, प्रिपेयर ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट, ये सब है, असिस्ट कमीशन है,
ठीक है, रेगुलर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है, मॉनिटरिंग करना, एनी अदर टास्क में भी असाइनमेंट, कोई अदर टास्क भी यहाँ पे हो सकता है। रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखोगे तो मेनली आपको कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, इंटेग्रिटी, बेसिक लेवल ऑफ में इंग्लिश आपको प्रोफेशन आना चाहिए, राइटिंग और रीडिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप होनी चाहिए यहाँ पे, और मिनिमम 5 ईयर का यहाँ, फाइव सॉरी 5 वीक का आपको कमिटमेंट होना चाहिए, इतना आप करना पड़ेगा। ठीक है, और अंडरटेकिंग ये सब देख सकते हो, ये सब दिया हुआ है। बाकी प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड इधर एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन टीचिंग एंड काउंसलिंग, पढ़ाई अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे लाइक कॉज अ पार्ट ऑफ वॉलेंटियरिंग और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। रिपोर्टिंग मैनेजर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको भी यहाँ पे 3000 मिलेगा इस इंटर्नशिप का। ठीक है, तो जो भी लोग आप इस इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस जैसे हम लोग इस गूगल फॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे आप, मैंने जो तीनों इंटर्नशिप था तो मैंने बता दिया है। ठीक है, एंड अगर आपको गाइस अप्लाई करना है तो सिंपली आप यहाँ पे आना, अपना नेम, ईमेल आईडी ये सब डालना, कॉन्टैक्ट नंबर डालना। आपको तीनों में से कुछ भी, कोई भी इंटर्नशिप करना है, जैसे कि लिटरेसी एंड लिमिटेड या चाइल्ड इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट जो भी मैंने बताया, ठीक है, फुल टाइम इंटर्नशिप करना है या फिर आपको पार्ट टाइम रिमोट ये सब करना है, तो आप मेनली यहाँ पे रिमोट इंटर्नशिप भी कर सकते हो। आप यहाँ पे फुल टाइम मतलब वहाँ पर जाकर भी कर सकते हो इंटर्नशिप। ठीक है, तो गाइज आपके ऊपर है, तो आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, अगर इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाकर, ठीक है, और सपोज करो किसी को डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल में मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे MBA के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप मेनली यहाँ पे जाके आप फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे जैसा मैंने बताया गूगल फॉर्म आकर फिल कर देना, ठीक है, वो आपको रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट ये सब करते जाना तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लोग, कोई ऐसा डेडलाइन नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हो। गाइज मैं बोलूंगा देखो, जैसे कि अगर आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो देखो मेनली आपका जो समय रहता है वो कॉलेज और मेनली पढ़ाई ये सब रहता है, तो उससे गाइज थोड़ा टाइम निकाल के आप वर्क फ्रॉम होम अप्लाई कर सकते हो उसमें, और आपको स्टाइपेंड मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ये सब भी मिलेगा, और गवर्नमेंट का ये मेनली पोर्टल है, तो इससे इंटर्नशिप मिल रहा है गाइज, काफी अच्छी बात है ये। ठीक है, और इससे काफी कुछ सीखोगे भी आप, मेनली न्यू पीपल से सबसे भी आप इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं गाइज बोलूंगा आप अप्लाई करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने मुझे बताना कहाँ पे आप फॉर्म में से मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, एंड इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मेनली देखो इसमें ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेनली ग्रेजुएशन किए हो या फिर नहीं, आप जैसे कि PG ये सब कर रहे हो, मेनली अगर आप 12th पास भी हो, 10th पास भी, बट स्किल्स है आपके पास ये सब, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब कुछ चलाने आता है, ऑफिस भी आता है, वर्ड, पावर पॉइंट, इनके पास लैपटॉप है, और डिजिटल मार्केटिंग में वैसा कुछ नहीं है कि आप मेरे कोर्स सब किए हुए, सोशल मीडिया अगर हैंडलिंग करते हो, रील्स तो सभी लोग देखते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो ये सब गाइस सभी को आता है आजकल के जितने भी यूथ है। ठीक है, तो गाइस मैं बोलूंगा अप्लाई करो। ठीक है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करो। ठीक है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको उतना जल्दी इंटर्नशिप मिलने का चांस रहेगा। प्रोफाइल अच्छा रखो, रिज्यूम एकदम अच्छा से बनाकर भेजना करें यहाँ पे जो भी आपको मांगा गया है, ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का कंप्लीट वीडियो। मैं इसी तरह गाइज इस चैनल पे हमेशा इंटर्नशिप, जॉब्स रिलेटेड और बाकी जितने भी लाइक IT से हो गए या फिर जितने भी अदर अदर फील्ड से हो गए, तो गाइज मैं इस चैनल पे हमेशा बनाते रहता हूँ। ठीक है, एंड आई होप गाइज वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना। ठीक है, तो चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।